My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yashchandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यशचंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है. प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग एजुकेशन इन बुद्धिस्टिक पीरियड और एजुकेशन इन बुद्धिस्टिक इरा के अंतर्गत जो बौद्धकालीन शिक्षा की शिक्षण विधियाँ थीं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. वी विल सी अबाउट द टीचिंग मेथड्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन और टीचिंग मेथड्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन पीरियड. चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं. प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधियाँ और टीचिंग मेथड्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन. प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली पढ़ी है और वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में भी हम लोगों ने देखा था कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की शिक्षण विधियाँ या टीचिंग मेथड्स क्या थीं. जब से हम लोग बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली के उपरांत बौद्ध शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना प्रारंभ किया है, तब से हमने देखा है कि काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज रही हैं, काफ़ी कुछ समानताएं रही हैं वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में. तो उसी तरह से जो टीचिंग मेथड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं, तो शिक्षण विधियाँ या टीचिंग मेथड्स भी बहुत कुछ समान रही हैं वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली का था. जैसा कि वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में टीचिंग मेथड्स था लगभग उसी के समान या उसी की तरह जो है टीचिंग मेथड्स बौद्धकालीन शिक्षण विधि में भी रहा है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षण विधि वैदिककालीन शिक्षण विधि के लगभग ही समान थी. तो ध्यान दीजिए कि क्या है, लगभग समान थी वैदिककालीन शिक्षा की शिक्षण विधि और बौद्धकालीन शिक्षा की शिक्षण विधि. अब वैदिककालीन शिक्षा की शिक्षण विधि की बात यदि हम लोग करते हैं, तो उस समय गुरुकुल का प्रचलन था, गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी और वहाँ पर जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, वे शिक्षा देने का कार्य करते थे. और शिक्षा देने का जो प्रमुख विधि होता था, मेथड होता था, वो क्या होता था, मौखिक विधि होता था. तो जैसा कि मौखिक विधि के द्वारा वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक उसी तरह उसी के समान बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में भी जो शिक्षण विधि थी वो क्या थी, प्रायः प्रत्यक्ष और मौखिक थी. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की जो टीचिंग मेथड्स थे, जो शिक्षण विधि थी, वो क्या थी, मौखिक थी, ओरल थी. तो प्रायः प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट एंड मौखिक मीन्स ओरल. तो डायरेक्ट एंड ओरल मेथड्स का यूज किया जाता था एज ए टीचिंग मेथड्स इन बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के समय में. अर्थात बौद्ध काल में जो शिक्षा देने का कार्य होता था, वो शिक्षा देने के कार्य जो है डायरेक्ट एंड ओरल मेथड्स के द्वारा, अर्थात प्रत्यक्ष और मौखिक विधि के द्वारा होता था. प्रत्यक्ष और मौखिक विधि के द्वारा शिक्षक जो होते थे, जो टीचर्स होते थे, छात्रों को शिक्षा देने का कार्य करते थे. प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की. तो ढेर सारे टीचिंग मेथड्स थे जिनका प्रयोग एक शिक्षक जो है, जो बौद्ध मठ होते थे या बौद्ध संघाराम होते थे या बौद्ध विहार होते थे, इनमें जो है अनेक विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य किया जाता था. तो इस तरह से बौद्ध काल में शिक्षण की अनेक विधियों का अनुसरण किया जाता था. ध्यान दीजिए, कोई एक विधि नहीं थी बल्कि अनेक विधियां थी. अनेक विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य किया जाता था. जो विधियां थी वो बेसिकली ओरल मेथड्स थी, मौखिक विधियां थी, लेकिन फिर भी उसमें से अलग अलग प्रकार की विधियां थी, अनेक विधियां थी. वे विधियां कौन कौन सी थी, उसी के बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे कि किन किन विधियों के द्वारा बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा देने का कार्य किया जाता था. प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं
एजुकेशन के स्टार्टिंग से, तो प्रारंभ में शिष्य जो होते थे वे गुरु से नवीन पाठ सुनता था तथा याद करता था। ध्यान दीजिए, जब भी किसी नए पाठ का प्रारंभ किया जाता था तो सबसे पहले जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, वे मौखिक रूप से ओरली छात्रों को, विद्यार्थियों को नवीन पाठ सुनाते थे। तो छात्र क्या करता था, उस नवीन पाठ को सुनता था, उस नवीन पाठ को सुनने के बाद उसको याद करता था। तो ये भी ओरल मेथड्स है, ओरली या मौखिक रूप से शिक्षक या गुरु जो है छात्रों को नवीन पाठ सुनाते थे और उसके बाद जो छात्र होते थे उस पाठ को याद कर लेते थे। जब याद कर लेते थे, जब सुन लेते थे छात्र जो है उस नवीन पाठ को, उसके बाद तत्पश्चात गुरु उसकी व्याख्या एवं स्पष्टीकरण करते थे और तब छात्र उस पर मनन एवं चिंतन करते थे। ध्यान दीजिए अपने विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या है, नवीन पाठ को एक बार पढ़ कर एक बार जो है गुरु या शिक्षक जो होते थे सुनाते थे और उसके बाद छात्र उसको याद कर लेते थे। उसके उपरांत शिक्षक जो होते थे, टीचर जो होते थे, उसको एक्सप्लेन करते थे, उसकी व्याख्या करते थे, उस पाठ को स्पष्ट करते थे, उस पाठ का एक्सप्लेनेशन का कार्य जो है किया गुरु के द्वारा किया जाता था। और जब एक्सप्लेनेशन या उसका व्याख्या हो जाता था टीचर्स के द्वारा, गुरु के द्वारा, तब छात्र उस पाठ पर, उस पर मनन चिंतन करते थे, उसको याद करते थे, कंठस्थ करते थे, उसके बारे में सोचते और विचारते थे। तो यह तरीका होता था शिक्षकों के वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने का, जब किसी नए पाठ को प्रारंभ किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से तर्क, विश्लेषण और वाद विवाद की विधियों का भी प्रयोग शिक्षण के हेतु, शिक्षण हेतु जो है वैदिक बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में किया जाता था। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि शिक्षक जो होता था वे नवीन पाठ को सुनाता था, उसके बाद छात्र उसको याद करते थे, फिर उसको शिक्षक उसकी व्याख्या करते थे, स्पष्टीकरण करते थे, छात्र मनन चिंतन करते थे। इसी तरह से तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था, विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता था, वाद विवाद या डिबेट विधियों का प्रयोग करके शिक्षण का कार्य बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में किया जाता था। अर्थात अनेक विधियाँ थी, अनेक विधियों का प्रयोग करके छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में हम लोग करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन सभी विधियों में इस बात पर बल दिया जाता था कि छात्रों को चिंतन और मनन करने का मौका मिले, छात्रों को स्वतंत्रता रहती थी कि वे मनन करें, चिंतन करें, विचार विमर्श करें। तो इस तरह से स्वतंत्र मानसिक चिंतन पर बल दिया जाता था और छात्रों के विचार का सदैव आदर किया जाता था। ये हम लोगों के लिए अनुकरणीय है, एक तो कि विद्यार्थियों के, छात्रों के स्वतंत्र मानसिक चिंतन पर बल देना, अर्थात वे थिंक कर सकें, उस पर विचार विमर्श कर सकें, रीजनिंग कर सकें, और साथ ही साथ छात्रों के विचार का आदर, हमेशा जो छात्रों के विचार का आदर किया जाता था, सम्मान किया जाता था, इससे क्या होता था कि छात्र जो है बिना किसी झिझक के अपने विचारों को प्रकट करते थे, अपने विचारों को रखते थे, और यदि उनकी कोई समस्या होती थी तो उस समस्या का समाधान शिक्षक करता था और छात्रों के अंदर भी क्रिएटिविटी या जिसको हम लोग सृजनात्मकता कहते थे उसका भी विकास होता था, छात्रों के अंदर सोचने समझने की भी शक्ति का विकास होता था। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली के बाद की भांति ही जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी, वहाँ पर जो है हमने आपको पूर्व बताया था कि वहाँ पर वेदों का भी अध्ययन कराया जाता था, जिससे कि वे कंपेयर कर सके बौद्ध शिक्षा प्रणाली या बौद्ध दर्शन और अन्य दर्शन के बारे में, परंतु वेदोच्चारण की शुद्धता पर बल नहीं दिया जाता था। ध्यान दीजिए कि जो वेदोच्चारण की शुद्धता पर बहुत अधिक बल नहीं दिया जाता था, लेकिन वेद के बारे में उनको पढ़ाया जाता था, फिर भी उच्चारण शुद्धता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। उच्चारण की शुद्धता पर, प्रोनंसिएशन पर बल दिया जाता था, लेकिन जो वेद होते थे वेदों के उच्चारण की शुद्धता पर उतना अधिक बल नहीं दिया जाता था। कहने का अभिप्राय है कि जो संस्कृत भाषा, उसमें जो मीनिंग स्ट्रक्चर नहीं हुआ करती थी, इसलिए वेदों के उच्चारण पर उतना अधिक बल या वेदों के उच्चारण की शुद्धता पर उतना अधिक बल नहीं दिया जाता था, लेकिन उच्चारण की शुद्धता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की शिक्षण विधियां थी, वे सभी की सभी शिक्षण विधियां लगभग लगभग क्या थी, मौखिक ही हुआ करती थी, ओरल ही हुआ करती थी। तो शिक्षण कार्य प्रायः मौखिक ही होता था और मौखिक शिक्षण कार्यों के द्वारा या मौखिक शिक्षण विधियों के द्वारा ही शिक्षा देने का कार्य किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, इन विधियों के अलावा प्रश्नोत्तर या क्वेश्चनर विधि, वाद विवाद विधि, देशाटन आदि शिक्षण विधियों के द्वारा भी विद्यार्थियों को
शिक्षा प्रदान किया जाता था। तो कौन सी विधि हो गई, क्वेश्चन आंसर या प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि या डिबेट विधि, देशाटन अर्थात भ्रमण विधि। जब देशों का भ्रमण करते थे तो भ्रमण के द्वारा भी विद्यार्थी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके सिलेबस में भी टूर रखा गया है। क्यों, एजुकेशनल टूर्स के द्वारा भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो एजुकेशनल टूर के द्वारा उस स्थान पर जाते हैं, उस प्लेस पर जाते हैं और उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं और अवलोकन करके देखते हैं, तो वहाँ पे जो उनका लर्निंग होता है, जो अधिगम होता है, वो लगभग लगभग परमानेंट होता है। इसलिए देशाटन या भ्रमण विधि का बहुत ही अधिक योगदान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उस समय जो मीनियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो क्या था, प्राकृत या पाली भाषा थी। प्राकृत या पाली भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। अब प्राकृत भाषा क्या है, प्राकृत भाषा जो है वो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ रूप होता है, जिसे जनसाधारण अपनी सुविधा के लिए उपयोग करता है। इसके बारे में आप सब पढ़े भी होंगे कि प्राकृत भाषा क्या है। प्राकृत भाषा जो हमारी संस्कृत भाषा होती थी उसी का अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ रूप होता है, और यह वह भाषा थी पाली या प्राकृत जिसे जनसाधारण अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करता था, और इसी भाषा को, इसी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बनाया गया था, क्योंकि ये जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी। फिर विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देखें तो जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसमें से जितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे सैद्धांतिक विषय थे, तो सैद्धांतिक विषय की शिक्षा में प्रायः व्याख्यान, व्याख्या व चर्चा नामक तीन प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता था। ध्यान दीजिए कि जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, सैद्धांतिक विषय हुआ करते थे, उन विषयों की शिक्षा देने के लिए व्याख्यान विधि का, लेक्चर मेथड्स का, व्याख्या या एक्सप्लेनेशन का, और चर्चा या डिबेट का, वाद विवाद का, डिस्कशन का, इन विधियों का प्रयोग जो है सैद्धांतिक विषयों की शिक्षा देने के लिए किया जाता था। जबकि जो शिल्प कला है, चिकित्सा शास्त्र है, सैनिक शिक्षा है, अर्थात जो व्यवहारिक विषय है, जो व्यवहारिक विषय है या प्रायोगिक विषय है, इन विषयों के शिक्षण कार्य के लिए प्रयोगात्मक विधि का भी प्रयोग किया जाता था। सैद्धांतिक के साथ साथ ही चिकित्सा शास्त्र, सैनिक शिक्षा, शिल्पकला जैसे व्यवहारिक विषयों की शिक्षा देने के लिए सैद्धांतिक या लेक्चर या व्याख्यान के साथ साथ ही प्रयोगात्मक विधियों का भी उपयोग किया जाता था। प्रयोगात्मक विधियों या प्रैक्टिकल्स के द्वारा भी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, क्योंकि ये सभी व्यवहारिक विषय थे, बिना प्रयोग के इसमें बालक जो है शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था। तो जो प्रयोगात्मक सब्जेक्ट्स होते थे उसमें प्रयोगात्मक विधि का भी प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत समय समय पर शास्त्रार्थ होते थे, समय समय पर व्याख्यान या लेक्चर हुआ करते थे एक्सपर्ट्स के, विशेषज्ञ के, जिसके द्वारा भी बालक या छात्र बहुत कुछ सीखते थे, अर्थात बालकों के शिक्षा में सहायता मिलती थी शास्त्रार्थ और व्याख्यान के द्वारा भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। उसमें पार्टिसिपेट करके वहाँ पे जो भी शास्त्रार्थ होता था उससे सीखते थे, जो भी व्याख्यान होता था उससे सीखते थे। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज सेल्फ लर्निंग या स्वाध्याय। तो स्वाध्याय उच्च शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विधि रही है, बहुत ही प्राचीन काल से रही है प्रिय विद्यार्थियों। तो स्वाध्याय, जिसको कि हम लोग अभी भी बल देते हैं सेल्फ स्टडी पे, तो स्वाध्याय उच्च शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विधि जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में भी रही है। इसके अलावा देशाटन को भी शिक्षा में समुचित स्थान दिया जाता था, जिसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया। देशाटन या देशों का भ्रमण या भ्रमण विधि का भी प्रयोग किया जाता था, भ्रमण विधि के द्वारा भी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग का, उन्होंने वर्णन किया है जो टीचिंग मेथड्स थी बौद्धकालीन शिक्षा की, उसके बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षक पाठ्यक्रम का सामान्य अर्थ बताते हैं और छात्रों को सविस्तार पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, टीचिंग मेथड्स के बारे में चीनी यात्री ह्वेन सांग हैं, उन्होंने बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की शिक्षण विधि के बारे में अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक होते थे वे पाठ्यक्रम का सामान्य अर्थ बताते थे, अर्थात जो भी करिकुलम होता था, जो भी विषय होते थे, उसका सामान्य अर्थ शिक्षक बताते थे और छात्रों को सविस्तार पढ़ाते थे। विस्तार से विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य भी शिक्षक किया करते थे। वे उन्हें परिश्रम के लिए प्रोत्साहित कर, ध्यान दीजिए, जो शिक्षक होते थे वे विद्यार्थियों को परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते थे।
ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षक जो थे वे विद्यार्थियों को परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते थे और कुशलता से प्रगति के पथ पर उन विद्यार्थियों को अग्रसर करते थे। अर्थात सिर्फ जो है पढ़ाना ही शिक्षक का कार्य नहीं था, बल्कि छात्रों को मोटिवेट करना, छात्रों को कुशलता से उनके प्रगति के पथ पर अग्रसर करना भी एक शिक्षक का कार्य हुआ करता था। जो शिक्षक होते थे वे क्रियाशून्य या निष्क्रिय छात्रों को निर्देशित करते थे और मंदबुद्धि बालकों को ज्ञानार्जन के लिए उत्सुक करते थे। ध्यान दीजिए कि शिक्षक का कार्य जो होता था, जो कि वर्णन भिन्सांग ने किया है, उनके अनुसार शिक्षक जो छात्रों को पढ़ाता भी था उनको, और पढ़ाने के साथ साथ ही परिश्रम के लिए उनको प्रोत्साहित भी करता था, कुशलता से प्रगति के पथ पर उनको अग्रसित भी करता था। और ऐसे छात्र जो निष्क्रिय हुआ करते थे, जो मंदबुद्ध हुआ करते थे, उनको भी वह मोटिवेट करता था, उनको भी वह उत्सुक करता था कि वे शिक्षा ग्रहण करें। अच्छी शिक्षा लेने के लिए या उनकी शिक्षा ग्रहण करने में जो बाधाएँ आती थी, उन बाधाओं को दूर करके वो मोटिवेट करने का भी कार्य शिक्षक किया करता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में चिंतन मनन तथा स्वाध्याय का भी उचित स्थान प्राप्त था। जब हम लोगों ने वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली पढ़ी थी तो वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में भी हम लोगों ने देखा था कि चिंतन मनन और स्वाध्याय पे बहुत अधिक बल दिया जाता था। तो यह जो विधि है चिंतन मनन और स्वाध्याय की, यह विधि वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। चिंतन मनन तथा स्वाध्याय की विधि का प्रयोग बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में भी किया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में समय समय पर धार्मिक चर्चाएं होती थी, गोष्ठी हुआ करता था, परिषद तथा विद्युत सभा का भी आयोजन हुआ करता था। तो इन धार्मिक चर्चाओं से, गोष्ठियों से, परिषद या विद्युत सभाओं में पार्टिसिपेट करके विद्यार्थी जो होते थे, जो छात्र होते थे, जब उसमें सहभाग करते थे तो उसके द्वारा भी वे शिक्षा प्राप्त करते थे, उसके द्वारा भी उनको सीखने को मिलता था। प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी से संबंधित इसी जो विधि है, जो टीचिंग मेथड्स है, जिसमें हम लोग परिषद या विद्युत सभा की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड गुन्नार मृडल जी का एक स्टेटमेंट है। गुन्नार मृडल जी ने कहा है, इसी से रिलेटेड उन्होंने कहा है कि स्कॉलेस्टिक डिबेट्स वर इनकरेज्ड, सच लर्न्ड असेंबलीज वेर अ नोबल फीचर ऑफ बुद्धिस्ट हायर एजुकेशन। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोगों ने विद्युत परिषद की बात की तो उसी से रिलेटेड गुन्नार मंडल जी का स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि स्कॉलेस्टिक डिबेट्स वेर इनकरेज्ड, सच लर्न्ड असेंबलीज वेर अ नोबल फीचर ऑफ बुद्धिस्ट हायर एजुकेशन। बुद्धिस्ट हायर एजुकेशन का ये क्या है? नोवेल फीचर है, अनोखी विशेषता है। और क्या? विद्युत सभा का आयोजन, और जिस सभा के आयोजन के द्वारा, जिस सभा में सभा करके पार्टिसिपेट करके विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था। शास्त्रीय विद्वानों को प्रोत्साहित भी किया जाता था, और इस प्रकार विद्युत सभाएं बौद्ध शिक्षा की एक अनोखी विशेषता थी। तो जो विद्युत सभा थी, यह बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की वो अपने आप एक अनोखी विशेषता थी, और इसका बहुत ही अधिक जो है प्रयोग या इसका बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस था विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में, शिक्षा लेने में। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से हम लोगों ने अभी तक ढेर सारे टीचिंग मेथड्स के बारे में चर्चा कर लिया कि कौन कौन सी वे टीचिंग मेथड्स थे जिसका प्रयोग बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता था। और अंत में अब हम लोग जल्दी से बौद्धकालिक की शिक्षा की जो मुख्य शिक्षण विधियाँ था, शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड्स थे, उनको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की मुख्य रूप से कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ थी। तो द फर्स्ट वन, जो पहला है, दैट इज एक्सप्लेनेशन मेथड या व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि, एक्सप्लेनेशन विधि के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ शिक्षक जो होता है क्या करता है, एक्सप्लेन करने का कार्य करता है। इसी से संबंधित चीनी यात्री वेन शांग के अनुसार शिक्षक छात्रों को पाठ्यवस्तु का अर्थ बताते थे और पाठ्यवस्तु की सविस्तार व्याख्या करते थे। इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर विशेष रूप से किया जाता था। ध्यान दीजिए, जो एक्सप्लेनेशन मेथड है आपका या व्याख्या विधि है, इस विधि का प्रयोग कहाँ होता था? हायर लेवल पे होता था, उच्च स्तर पर विशेष रूप से किया जाता था। और एक्सप्लेनेशन मेथड्स के अंतर्गत जो टीचर्स होते थे वे कंटेंट का मीनिंग बताते थे, कंटेंट के अर्थ को समझाते थे और पाठ्यवस्तु पे सविस्तार व्याख्या दिया करते थे। तो सब ये एक्सप्लेनेशन मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का, और जिसका प्रयोग अधिकांशतः हायर एजुकेशन या उच्च स्तर पर
किया जाता था। द नेक्स्ट टीचिंग मेथड्स इज इमिटेशन मेथड और अनुकरण विधि। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हम सभी लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इमिटेशन मेथड जो होता है, अनुकरण विधि जो होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और विशेष रूप से जब हम लोग प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन में इमिटेशन मेथड या अनुकरण विधि का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि जो छोटे विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, वे जो है इस अनुकरण विधि के द्वारा ही अधिक सीखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इमिटेशन मेथड या अनुकरण विधि अगली विधि है। अनुकरण विधि सीखने सिखाने की एक नेचुरल मेथड है या स्वाभाविक विधि है। तो ध्यान दीजिए कि क्या है अनुकरण विधि, क्या है एक नेचुरल मेथड है या एक स्वाभाविक विधि है। इस विधि का प्रयोग भी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा देने के लिए किया जाता था। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक स्तर पर किया जाता था, अर्थात जो एलिमेंट्री एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा होती थी, प्राथमिक शिक्षा होती थी, उस प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए, प्रारंभिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए इमिटेशन या अनुकरण विधि का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता था। और इस विधि की जो शुरुआत होती थी, भाषा की शिक्षा की शुरुआत जो है इस विधि के द्वारा ही होता था। अर्थात जब शिक्षक जो है किसी चीज़ को पढ़ करके सुनाता था, किसी चीज़ को लिख करके दिखाता था, तो छात्र या विद्यार्थी उसका अनुकरण करते थे, इमिटेशन करते थे। तो फिर विद्यार्थियों, भाषा की शिक्षा की शुरुआत तो इसी विधि से ही हुआ करती थी। जो लैंग्वेज टीचिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, भाषा शिक्षा की बात करते हैं, तो भाषा की शिक्षा की शुरुआत इमिटेशन मेथड के द्वारा या अनुकरण विधि के द्वारा ही होता था, जिसमें शिक्षक जो है कुछ उच्चारण कर किसी के उच्चारण करता था तो बालक उसको दोहराते थे, उसका अनुकरण करते थे। कुछ लिखता था तो बालक उसका अनुकरण करते थे। तो इस तरह से इमिटेशन मेथड या अनुकरण विधि का प्रयोग प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा में बहुत ही अधिक किया जाता था। और लैंग्वेज टीचिंग या भाषा की शिक्षा की शुरुआत तो इसी विधि से हुआ करती थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक अक्षरों का उच्चारण करते थे तथा छात्र उनका अनुकरण करते थे। अर्थात सबसे पहले जो टीचर्स होते थे, वे जो भी लेटर होते थे, जो भी अक्षर होते थे, उसका उच्चारण करते थे और विद्यार्थी उसका इमिटेशन या अनुकरण किया करते थे। इसी तरह से शिक्षक जो होते थे, टीचर जो होते थे, वे अक्षरों को लिख कर दिखाते थे और छात्र उनका अनुकरण करके अक्षर लिखना सीखते थे। ये जो विधियां हैं, इसका प्रयोग हम सब लोग वर्तमान काल में भी करते हैं। तो शिक्षक क्या करता था, जो भी लेटर से अक्षर है उसको लिखता था, लिख करके दिखाता था कि बेटा ऐसे लिखना है, और विद्यार्थी उसका अनुकरण करके अक्षरों को लिखना सीखते थे। तो चाहे हम लोग लिखने की बात करें, चाहे हम लोग बोलने की बात करते हैं, तो अक्षरों को लिखने या अक्षरों का उच्चारण, दोनों में जो है अनुकरण विधि या इमिटेशन मेथड का प्रयोग होता था। और इसी तरह से जब किसी प्रायोगिक कार्य को सिखाया जाता था विद्यार्थियों को, तो प्रायोगिक कार्यों को भी शिक्षक डिमॉन्स्ट्रेट करता था। शिक्षक पहले करता था, जब करता था तो छात्र जो है उसको देखकर सीखते थे, उसका अनुकरण करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया प्रधान विषयों के शिक्षण में भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता था। क्रिया प्रधान अर्थात जो एक्टिविटी सेंटर्ड होते थे, अर्थात जिसमें कुछ विद्यार्थियों को, बालकों को करना होता था, तो ऐसे विधियों की, ऐसे विषयों की शिक्षा देने में भी इमिटेशन मेथड का यूज होता था, क्योंकि शिक्षक जो होते थे उस एक्टिविटीज़ को करते थे और छात्र या विद्यार्थी पहले उसको देखते थे, फिर उसको सीख करके उसका अनुकरण करते हुए उस एक्टिविटीज़ को वे करते थे। तो इस तरह से इमिटेशन मेथड या अनुकरण विधि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसका कि प्रयोग सर्वाधिक जो है प्राइमरी लेवल पे किया जाता था। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज द क्वेश्चन आंसर मेथड और प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चन आंसर मेथड, इसका प्रयोग हम सभी लोग वर्तमान काल में भी शिक्षा देने में या अपनी टीचिंग में करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, चाहे शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड या प्रश्नोत्तर विधि। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण के दौरान प्रायः शिष्य जो होते थे, वे गूढ़ प्रश्न तथा अपनी शंकाओं के निवारण द्वारा विषय वस्तु को समझने का प्रयत्न करते थे। जो ये क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रिय विद्यार्थियों, इस विधि का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को यदि कोई समस्या होती थी तो वे प्रश्न पूछते थे। तो शिष्य जो है गूढ़ प्रश्न तथा अपनी शंकाओं के निवारण हेतु कंटेंट्स रिलेटेड या विषय वस्तु संबंधित जो है प्रश्न शिक्षक से पूछा करते थे और उसी के द्वारा वे
उस कंटेंट को समझने का प्रयास करते थे। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से शिक्षण के दौरान प्रायः शिष्य गूढ़ प्रश्नों तथा अपनी शंकाओं के निवारण हेतु विषय वस्तु का समझने का प्रयास क्वेश्चन आंसर या प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा किया करते थे। और शिक्षक जो होते थे, जो टीचर होते थे, जो गुरु होते थे, वे भी जो है उदाहरणों के द्वारा, रीजनिंग या तर्कों के द्वारा, व्याख्याओं के द्वारा विद्यार्थियों को, छात्रों को संतुष्ट करने का यथासंभव प्रयास करते थे। और जब विद्यार्थी जो संतुष्ट हो जाता था शिक्षक के, गुरु के उदाहरण, तर्कों या व्याख्याओं के द्वारा, तो उसके बाद उसकी लर्निंग होती थी, उसको कंटेंट को समझ जाता था कि कंटेंट में क्या है, और उसकी शंकाओं का समाधान भी हो जाता था। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर मेथड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, चाहे हम लोग शिक्षक की बात करें, चाहे हम लोग छात्र की बात करें, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होता था। क्योंकि शिक्षक जो है वो प्रश्न पूछ पूछ करके छात्र क्या जानता है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है, उसके बारे में जब वो जान लेता है तो उसी के आधार पर वो अपनी टीचिंग को प्लान करता है। और छात्र जो होते हैं वे अपनी शंकाओं का समाधान भी क्वेश्चन आंसर मेथड्स के द्वारा ही किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टीचिंग मेथड इज़ द डिबेट मेथड और तर्क विधि, या जिसको हम लोग वाद विवाद विधि कहते हैं। तो फिर प्रिय विद्यार्थियों, वाद विवाद विधि आप सभी लोग जानते हैं कि डिबेट्स, इस पर कुछ टॉपिक होता है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वाद विवाद किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे टॉपिक जो कि ज्वलंत होते थे, या फिर जिसको हम लोग कहेंगे कि जो विवादास्पद जो विषय हुआ करते थे, उन विषयों का शिक्षण जो है हम डिबेट मेथड से करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, विवादास्पद विषयों का शिक्षण वाद विवाद या तर्क विधि के द्वारा उस समय किया जाता था। और उस पर क्या होता था कि टॉपिक दे दिया जाता था, जो विषय होता है उसको दे दिया जाता था, उस पर जो सभी छात्र जो है अपना अपना तर्क रखते थे। कुछ लोग उस विषय के पक्ष में तर्क रखते हैं और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में तर्क रखते हैं। तो फॉर एंड अगेंस्ट, अर्थात पक्ष और विपक्ष में तर्क लोग अपना देते हैं, और इसीलिए इसको वाद विवाद कहा जाता है। तो पक्ष और विपक्ष में जो भी विद्यार्थी होते थे, वे अपना तर्क देते थे, वे अपना प्रमाण देते थे, और इस विधि के द्वारा जो है विवादास्पद विषयों का शिक्षण किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, वाद विवाद विधि के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी होते थे या प्रतिभागी होते थे, वे अपने अपने मत की पुष्टि जो है करने के लिए कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत करते थे। अर्थात कुछ प्रमाण्स के द्वारा, कुछ डेटाज के द्वारा, कुछ एविडेंस के द्वारा वे अपनी बातों को प्रमाणित करने का प्रयास करते थे इस विधि के द्वारा। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिसका प्रयोग बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के दौरान किया जाता था। और मुख्य रूप से जो ऐसे टॉपिक जो विवादास्पद होते थे, तो विवादास्पद विषयों का शिक्षण जो है वाद विवाद या तर्क विधि के द्वारा, डिबेट्स के द्वारा किया जाता था। द नेक्स्ट टीचिंग मेथड इज भ्रमण विधि। प्रिय विद्यार्थियों, भ्रमण मेथड जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भ्रमण विधि या टूर मेथड्स का प्रयोग हम सभी लोग वर्तमान में भी करते हैं। तो भ्रमण विधि का प्रयोग करके विद्यार्थियों को शिक्षा जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा में भ्रमण, पर्यटन व देशाटन के माध्यम से प्रकृति का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की विधि को महत्व दिया गया। ध्यान दीजिए, जो प्रकृति या नेचर का जो सम्यक ज्ञान है, नेचर का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी उस नेचर में जाए। और उस नेचर में कब जाएगा? जब वह भ्रमण करके वहाँ उस स्थान पर जाएगा। तो इस तरह से प्रकृति का सम्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए टूर मेथड या भ्रमण विधि बहुत ही उपयोगी है। और इस विधि का प्रयोग जो है वह बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा देने के लिए किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए यहाँ की शिक्षा, जीवन पद्धति, दार्शनिक विचारों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इस मेथड्स या टूर मेथड्स के इंपॉर्टेंस को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो चीनी यात्री वेनसांग थे, उन्होंने भी इसी मेथड्स के द्वारा, इसी भ्रमण के द्वारा संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। और जब संपूर्ण भारत का उन्होंने भ्रमण किया, तो भारत के बारे में वे जाने। जब भारत के बारे में उन्होंने जाना, तो यहाँ की जो एजुकेशन है, या यहाँ की जो शिक्षा है, यहाँ की जो जीवन पद्धति, यहाँ के जो दार्शनिक विचार हैं, इन सब का उन्होंने विस्तारपूर्वक वर्णन किया। तो इससे अपने आप में स्पष्ट होता है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो भ्रमण विधि
या टूर मेथड का प्रयोग किया जाता था वह अपने आप में कितना ही इम्पोर्टेंट था। वेन सांग खुद भी इसी टूर मेथड्स के द्वारा ही बौद्ध शिक्षा को ग्रहण कर किया। तो वेन सांग ने यहाँ आकर बौद्ध शिक्षा भी ग्रहण किया, भारत के बारे में वह जाना, भारत की शिक्षा प्रणाली, भारत की जीवन पद्धति, भारत के दार्शनिक विचारों के बारे में और बौद्ध शिक्षा के बारे में वह जाना और उसका विस्तारपूर्वक उन्होंने वर्णन किया। तो इससे स्पष्ट होता है कि टूर मेथड या भ्रमण विधि कितनी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों को किसी भी चीज़ का जो सम्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए या प्रकृति का सम्यक ज्ञान प्रदान करने के लिए भ्रमण मेथड या टूर मेथड बहुत ही उपयोगी होता है। द नेक्स्ट मेथड इज कॉन्फ्रेंस एंड शास्त्रार्थ मेथड, दैट इज सम्मेलन व शास्त्रार्थविद। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया था, विद्युत सभाएँ होती थी और विद्युत सभाओं का प्रयोग जो है विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता था, क्योंकि उस विद्युत सभाओं में बड़े बड़े विद्वान आते थे, बड़े बड़े विद्वान आमंत्रित होते थे, विशेषज्ञ आमंत्रित होते थे और वे जो है अपना व्याख्या देते थे, व्याख्यान देते थे या शास्त्रार्थ करते थे, तो उससे जो है विद्यार्थियों को भी लाभ होता था। तो फिर विद्यार्थियों, बौद्ध काल में हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन भी होता था, अर्थात जो कॉन्फ्रेंस जैसा कि आज वर्तमान समय में आयोजित किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, उसी तरह से बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन भी होता था और इन सम्मेलनों में, इन कॉन्फ्रेंसेज में, इन सेमिनार्स में विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता था, विषय विशेषज्ञ अपने विचार रखते थे और इससे हम लोग विद्वत सभा के नाम से भी जानते हैं, अर्थात विद्वत सभाओं का आयोजन बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किया जाता था और इन विद्वत सभाओं में व्याख्यान होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, अर्थात व्याख्यान और शास्त्रार्थ के द्वारा जो है शिक्षा प्रदान करने का कार्य बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में कॉन्फ्रेंसेस एंड शास्त्रार्थ विधि के अंतर्गत किया जाता था, क्योंकि इस जो भी सम्मेलन होते थे, जो भी शास्त्रार्थ होते थे, इसमें विद्यार्थी भी पार्टिसिपेट करते थे, विद्यार्थी सहभाग करते थे, प्रतिभाग करते थे और उसके द्वारा भी उनको जो है सीखने को मिलता था। द नेक्स्ट मेथड इज डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज मेथड, दैट इज प्रदर्शन व अभ्यास विद। तो प्रदर्शन एंड अभ्यास विद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोगों ने इमिटेशन मेथड में भी चर्चा किया कि जो प्रदर्शन और अभ्यास विधि है यह क्या है, जो इमिटेशन मेथड या अनुकरण विधि है उसी का हायर रूप है, उच्च रूप है। इस विधि के अंतर्गत जब हम कोई व्यवहारिक विषय या कोई व्यावसायिक विषय या कोई प्रायोगिक विषय विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले जो शिक्षक होता है उसको उस एक्टिविटीज़ को, उस प्रयोग को, उस कार्य को करके दिखाता है और विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं, उसका बार बार अभ्यास करते हैं और उसको सीखते हैं। तो फिर विद्यार्थियों, इस विधि के अंतर्गत जो प्रयोग विधियों, इस विधि का प्रयोग विविध कलाओं, ध्यान दीजिए, इस विधि का प्रयोग जो हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एंड एक्सरसाइज मेथड की बात कर रहे हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज मेथड का प्रयोग विविध कलाओं, शिल्पों, व्यावसायिक विषयों व चिकित्सा विज्ञान के शिक्षण में किया जाता था और अनुकरण के द्वारा जो विद्यार्थी होता था इन विषयों के बारे में या इन क्रियाओं के बारे में, इन कौशलों के बारे में पहले वह सीखता था, देखता था शिक्षक से और उसका बार बार अभ्यास करता था। तो अनुकरण के द्वारा उस क्रिया का बार बार अभ्यास करके जो शिक्षक, जो छात्र होते थे, वे कॉम्पिटेंसी या दक्षता या स्किल प्राप्त करते थे। तो अनुकरण द्वारा क्रिया का बार बार अभ्यास करके दक्षता प्राप्त की जाती थी विद्यार्थियों के द्वारा या छात्रों के द्वारा। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज सेल्फ स्टडी मेथड और स्वाध्याय विधि। तो फिर विद्यार्थियों, स्वाध्याय विधि यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वर्तमान काल या आधुनिक जो है हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इस हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी मेथड या स्वाध्याय विधि। यदि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की हम लोग बात करते हैं तो बौद्ध काल में लेखन कला का विकास होने से मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां भी तैयार हो चुकी थी और जो बड़े बड़े पुस्तकालयों में उपलब्ध हुआ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में पढ़ा, जब बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की जो यूनिवर्सिटीज थी उसके बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि इन विश्वविद्यालयों में बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरीज या पुस्तकालय हुआ करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध काल में
जो मुख्य जो ग्रंथ थे वे हस्तलिखित ग्रंथ जो है उसके प्रतियां तैयार हो चुकी थी, वे सभी लाइब्रेरी या पुस्तकालय में हुआ करती थी। तो उन प्रतियों या उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के अंदर स्वाध्याय विधि या सेल्फ स्टडी मेथड्स का जो विकास करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इस विधि का प्रयोग करके या सेल्फ स्टडी या स्वाध्याय विधि का प्रयोग करके जो है शिक्षा बहुतकालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। फिर विद्यार्थियों इससे अध्ययन की स्वाध्याय विधि का विकास हुआ, किससे? जो बड़े बड़े पुस्तकालयों में ढेर सारे पुस्तक मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार की गई, पुस्तकालयों में रखी गई, तो इन पुस्तकालयों में रखी हुई इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के अंदर जो है सेल्फ स्टडी मेथड स्वाध्याय विधि का विकास हुआ। और इसी विधि के विकास के कारण जो विद्यार्थी होते थे वे पुस्तकालयों में जो मुख्य ग्रंथ या हस्तलिखित जो ग्रंथियां या उसकी जो प्रतियां अवेलेबल होती थी उसका वे अध्ययन किया करते थे। तो सेल्फ स्टडी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि वर्तमान समय में भी हम सभी लोगों की शिक्षा के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। द नेक्स्ट मेथड इज लेक्चर मेथड और व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे शिक्षक के द्वारा या जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा लेक्चर दिया जाता है, व्याख्यान दिया जाता है। तो फिर विद्यार्थियों इस विधि के अंतर्गत संबंधित विषय विशेषज्ञों के द्वारा लेक्चर या व्याख्यान दिया जाता था। व्याख्यान के द्वारा विद्यार्थियों का यदि कोई प्रश्न होता था या कोई समस्या होती थी तो उन समस्याओं का उन शंकाओं का समाधान भी शिक्षक के द्वारा या एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता था। तो व्याख्यान के द्वारा विद्यार्थियों की शंका का समाधान होता था और हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग बहुत ही अधिक होता था। तो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी व्याख्यान के द्वारा विषयों को स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे, उनकी जो शंकाएं होती थी उन शंकाओं का समाधान भी विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता था। तो विद्यार्थियों इस तरह से हम लोगों ने जो प्रमुख विधियां हैं बहुतकालीन शिक्षा प्रणाली की उसके बारे में डिटेल रूप में स्टडी भी कर लिया, डिटेल बहुत ही डिटेल में विस्तृत रूप में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। और जल्दी से अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो बहुतकालीन शिक्षा प्रणाली की शिक्षण विधियां थी उसकी अन्य विशेषताएँ क्या क्या हैं। तो उन अन्य विशेषताओं में सबसे पहली जो बात है वो है बौद्ध शिक्षण जो थी वो बौद्ध शिक्षण विधि व्यक्तिगत हुआ करती थी। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि बौद्ध शिक्षण विधि व्यक्तिगत थी या पर्सनल थी। पर्सनल इसलिए या व्यक्तिगत इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार बौद्ध विहार या बौद्ध संघाराम जो होते थे उसमें हजारों छात्र हुआ करते थे, जो बौद्ध यूनिवर्सिटीज हैं वे भी हजारों छात्र वहाँ पढ़ते थे, फिर भी एक गुरु के पास मात्र 5 से लेकर के 10 छात्र ही होते थे। ध्यान दीजिए कि एक टीचर के पास, एक शिक्षक के पास ओनली 5 to 10 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। अर्थात इसीलिए इसको हम लोग पर्सनलाइज्ड मेथड्स कह रहे हैं या व्यक्तिगत विधि कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक शिक्षक के पास जो छात्र होते थे वे बहुत ही कम 5 से 10 छात्र होते थे और प्रत्येक छात्र को जो शिक्षक होता था उन पर ध्यान दे सकता था, उनके प्रोग्रेस पर उनकी शिक्षा पर ध्यान दे सकता था। इसीलिए कहा जा रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की जो शिक्षण विधि थी वो क्या थी? पर्सनलाइज्ड थी, व्यक्तिगत थी, क्योंकि वहाँ पे प्रत्येक शिक्षक के ऊपर जो है जो छात्रों का भार होता था, जो रेशियो होता था टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ही कम था, 5 से 10 छात्र जो है एक गुरु के पास हुआ करते थे। प्रिय विद्यार्थियों अन्य विशेषता में है कि लेखन सामग्री की कमी कारण शिक्षण विधि मुख्य रूप से मौखिक थी। तो उस समय जो शिक्षण विधि थी वो मुख्य रूप से क्या थी? मौखिक थी, ओरल थी, क्योंकि उस समय लेखन सामग्री का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था। अब जो भी शिक्षक, जब टीचिंग मेथड्स मौखिक था तो शिक्षक जो भी पढ़ाता था तो विद्यार्थी जो है उन बातों पे, उन कंसेप्ट्स पे, उन विषयों पे चिंतन करते थे, मनन करते थे, उसको आत्मसात करते थे, उसको कंठस्थ करते थे। तो ज्ञान को आत्मसात करने और स्वतंत्र चिंतन को विशेष महत्व बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर टीचिंग मेथड्स मौखिक था, लिखने का बहुत अधिक प्रश्न नहीं था। तो ज्ञान को आत्मसात करने और स्वतंत्र चिंतन को विशेष महत्व दिया जाता था बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में। एग्जामिनेशन की बात करते हैं हम लोग, तो एग्जामिनेशन में हम लोगों ने वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में भी चर्चा किया था कि एग्जाम प्रतिदिन होता था, नित्य होता था। कैसे होता था? कि जो शिक्षक होता था, जो पूर्व पाठ, इसके पहले जो भी पाठ पढ़ा दिया गया होता था उसके बारे में पहले शिक्षक पूछता था, गुरु पूछता था, और जब वह संतुष्ट हो जाता था कि विद्यार्थियों ने उतना सब कुछ सीख लिया है, तभी वह आगे के पाठ को या आगे के चैप्टर को स्टार्ट करता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परीक्षाएँ नित्य हुआ करती थी, परंतु जो परीक्षाएँ होती थी उस परीक्षाओं के द्वारा उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, अर्थात डिप्लोमा या डिग्री आदि देने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। विद्यार्थियों को डिप्लोमा या डिग्री नहीं दिया जाता था और
प्रिय विद्यार्थियों, इसी से संबंधित हम लोग जो विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय में जब शास्त्रार्थ हुआ करते थे तो शास्त्रार्थ में जो विद्वान विजयी हुआ करते थे उन विद्वानों का नाम फाटक पर सफ़ेद रंग से लिख दिया जाता था। तो ध्यान दीजिए कि डिप्लोमा डिग्री आदि देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, परीक्षाएँ नित्य हुआ करती थी। इनसे प्राय है कि शिक्षक जो होते थे, जो गुरु होते थे, वे जो है प्रतिदिन जो है पूर्व में जो भी पाठ पढ़ाए गए होते थे उस के बारे में वे पहले विद्यार्थियों से पूछ लेते थे। जब वे संतुष्ट हो जाते थे तभी आगे के पाठ को स्टार्ट करते थे। परंतु नालंदा वल्लभ विश्वविद्यालय या फिर अन्य जगहों पे जो शास्त्रार्थ होते थे, जो विद्युत परिषद में शास्त्रार्थ में जो विजयी विद्वान होते थे उन विद्वानों का नाम फाटक पर सफ़ेद रंग से लिख दिया जाता था। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में बौद्ध शिक्षा की जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों के बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तृत रूप में अध्ययन किया कि टीचिंग मेथड्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन तथा बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रमुख शिक्षण विधियां क्या क्या थी और उन प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। उसमें जो है हम लोगों ने गुन्नार मिंडल का जो स्टेटमेंट है या वेनसांग का जो स्टेटमेंट था, कथन था, उसके बारे में देखा। प्रमुख विधियों में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन मेथड या फिर व्याख्या विधि, इमिटेशन मेथड या अनुकरण विधि, और क्वेश्चन आंसर मेथड या प्रश्नोत्तर विधि, डिबेट्स या वाद विवाद विधि, टूर मेथड या भ्रमण विधि, कॉन्फ्रेंस एंड शास्त्रार्थ या सम्मेलन या शास्त्रार्थ विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज प्रदर्शन व अभ्यास विधि, सेल्फ स्टडी मेथड या स्वाध्याय विधि, लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि के बारे में डिटेल्स रूप में या विस्तृत रूप में चर्चा की। और अंत में हम लोगों ने बौद्ध शिक्षा की अन्य विशेषताओं के बारे में, जो बौद्ध शिक्षण विधियां, बौद्ध शिक्षा में जो जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था उनकी अन्य विशेषताएं जो थी उसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। तो इस तरह से आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी हम करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपने कोर्स रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को आसानी से प्लेलिस्ट में जा करके देख पाएँ, आसानी से आप अपने आवश्यकता के अनुसार वीडियोस को सर्च कर पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जहां सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक बेल का आइकन है, एक घंटी का आकार बनना है, लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, कुछ विकल्प आते हैं, उन ऑप्शन में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम सभी लोग जल्द मिलेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की अन्य विशेषताओं को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।